का कहना है कि लगातार देश में जो कोरोना के आंकड़े वो बढ़ रहे हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो 2,46,628 तक पहुंच चुका है और साथ में जो मृत्यु दर है वो लेकिन अभी तक कम है क्योंकि जो ठीक होने की जो प्रतिशत है वो 48% है। लोग ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। कोरोना से देश में अब तक 6,929 लोगों की मौत हुई है। 1,19,000 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 2,46,628 इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव केस है। कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या 6,000 के पार है और देश में कोरोना के केस बढ़कर 2,46,000 के पार हो चुके हैं। और लगातार हम आपको ये भी बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि जो 12 राज्य हैं उनमें जो लोकल ट्रांसमिशन है उनकी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना को लेकर भारत में बढ़ते आंकड़े चिंताजनक है और इसे लेकर जानकार भी मान रहे हैं कि अभी कोरोना का जो कहर है भारत में और बढ़ेगा। एम्स के डायरेक्टर ने बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस का जो पीक है वो अभी भी आना बाकी है और ये पीक अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आ गया। यही नहीं, जबकि एम्स के निदेशक के मुताबिक दिल्ली मुंबई के जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे देश में ऐसी स्थिति अभी नहीं है।